हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन अनमोल कैसे बनाएं मेरे स्टाइल में। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 kg चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। और ये मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और 1 कटोरी हमने दही ली है, और 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, और 1.5 चम्मच हमने रेड चिली ली है, सॉल्ट लिया है, कसूरी मेथी ली है, और 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, और 1 कोयला लिया है हमने स्मोकी फ्लेवर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। ये मैंने हंकर्ड ली है, मैंने इसको छन्नी में छान लिया था, इसका सारा पानी निकल गया है, एकदम थिक हो गई है ये, अच्छे से फेट कर लिया है। और ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये 2 चम्मच लिया था। और ये अब हम सूखे मसाले डाल देंगे, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, और लेमन जूस डालेंगे। ये मैंने 1 लेमन का जूस लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चिकन को अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे, और इसको रख देंगे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके। देखिए हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में। अब इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। 1 कटोरी लेंगे, अब 1 कोयला गरम करके हम इसमें रख देंगे, और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर से, और इसको कवर कर देंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। एक एक पीस को हमें अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से। ये 100% कुक हो जानी चाहिए। अब इसको पलट कर देखेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। हमें ऐसे ही चाहिए, अच्छे से सिक जाना चाहिए ये, और टेंडर भी हो जाए। इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे हम, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छे से पक जाएगा। देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है बिल्कुल। अब इसको हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। स्टैंड लेंगे, उस पर हम चिकन रख देंगे, इसको अच्छे से सेकेंगे गैस पर, लो फ्लेम पर। ध्यान रखें जले ना ये। चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम क्रीम ली है, 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून ये हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है, कसूरी मेथी ली है, और हमने काला नमक लिया है। ये हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, आप सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। इसको बार बार चेक करके देखते रहना कि नमक ठीक है या नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे सारा, और हम फ्लेम को सिम रखना है। सारा चिकन डाल देंगे, और अब हम इसमें अपनी क्रीम डालेंगे, और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे,
इसको बस 10 मिनट लगेंगे बनने में। बस हमें अच्छे से मसाले मिक्स करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से और हमें फ्लेम सिम रखनी है। और धीरे धीरे देखिए इसकी ग्रेवी थिक हो गई है। बस हमें ऐसे ही चाहिए, ये रेडी हो गया है। बस इसको 10 मिनट लगते हैं बनने में। देखिए एकदम रेडी हो गया और इतना मज़े का ये लगता है। देखें कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। अब इसके ऊपर हम ढेर सारा बटर डालेंगे और गार्निश करेंगे हम हरे धनिया, अदरक और ग्रीन चिली से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।